भले ही प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर दिखाई दे, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हालत में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा। ताजा मामला मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल का है, जहां अस्पताल में मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मरीज को देखने के बजाय एमआर से उसकी कंपनी की दवा का डेमो लेते हुए दिखाई दिए। इस दौरान एमआर ने कैमरा देख वहां से निकलना बेहतर समझा। हालांकि जब इस मामले में डॉक्टर ए.के. दास से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मरीज नहीं होने के कारण वो दवाइयों का डेमो देख रहे थे। कोई क्या प्रेजेंटेशन एमआर कर सकते हैं क्या? बाहर से बताते हैं, अंदर को बुलाते तो नहीं देते हम लोग से। चाहो मतलब बता सकते हैं हमारे साथ? जैसे आप आ गए वैसे वो भी अपना बाहर से बता दिया। अच्छा, मतलब कोई वो नहीं है बाहर से बता रहे? उनको बुलाते नहीं, उनको बैठाते नहीं। अच्छा, अंदर नहीं बैठाते। तो वहीं सीएमएस ने कहा कि अगर ऐसा है तो जांच होगी और डॉक्टर से मामले में स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा। एट प्रेजेंट नाक कान गला रोग में हमारे यहाँ, आप सही कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर नहीं है, और जिसके लिए हमने डायरेक्टरेट से मांग की है कि एक नाक कान गला विशेषज्ञ की पोस्टिंग यहाँ की जाए। और बाकी डिपार्टमेंट में हमारे सफिशियंट डॉक्टर हैं, 3-3 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, 5-6 फिजिशियन हैं, 2 चेस्ट फिजिशियन हैं, 2 सर्जन हैं, 4 आई स्पेशलिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट है हमारे पास। तो बाकी किसी विभाग में ईएमओ काफ़ी अच्छे मात्रा में है, और बाकी किसी विभाग में हमारे यहाँ किसी चिकित्सक की कमी नहीं है। या डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे कोई एमआर क्या हॉस्पिटल में इंटरटेन कर सकता है डॉक्टरों को? नहीं, सरकारी अस्पताल में एमआर का प्रावधान नहीं है, क्योंकि हमारा अस्पताल जो है वो खुद दवा प्रोवाइड करता है। तो जब हम दवा खुद दे रहे हैं तो उसमें फिर प्राइवेट एमआर का कोई रोल नहीं है। लेकिन हमने पाया कि एक एमआर इंटरटेन कर रहा था, तो उस पर मैं कार्रवाई करता हूँ, अभी पता करता हूँ और एक नोटिस इशू करता हूँ कि आइंदा कोई भी चिकित्सक किसी एमआर या प्राइवेट ड्रग कंपनी वाले को इंटरटेन ना करें, और कोई पाए जाएंगे तो मैं इसके उनसे स्पष्टीकरण लेकर शासन को सूचित करूँगा, ये गलत बात है। वहीं अस्पताल की हालत का अंदाज़ा इस बात से साफ लगाया जा सकता है, यहाँ जिला महिला अस्पताल में उमस भरी गर्मी में भी बिजली कटने के कारण हाथ के बने पंखों का मरीजों को सहारा लेना पड़ रहा है। मिर्जापुर से ब्रिज मौर्य की रिपोर्ट।